हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज कुमार सिंह आज आपसे चर्चा करने चल रहे हैं यूपीएससी की तैयारी कैसे करें। यूपीएससी 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 यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसे क्या कहा जाता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कहा जाता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और इसका भारतीय संविधान में उल्लेख है अनुच्छेद 312 से 15, 312 से 15 तक यूपीएससी का उल्लेख किया गया है। यह भारत की सबसे बड़ी परीक्षा होती है, इससे उच्च कोई भी परीक्षा नहीं होती है, भारत की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। और बात हम करते हैं कि यूपीएससी को पढ़ते समय, यूपीएससी की तैयारी करते समय किन किन विषय वस्तुओं की विधिवत आपको ध्यान में रखना, किन किन विषय वस्तुओं की आपको विधिवत ध्यान में रखना है जिससे आप यूपीएससी क्रैक कर सकें। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यूपीएससी की तैयारी करते समय आपको अपने पास जो है किसी भी प्रकार के विरोधाभासी व्यक्तियों को, विरोधाभासी जिसे नेगेटिव माइंडेड बोलते हैं, विरोधाभासी व्यक्ति को दूर रखना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए। जब आप किसी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि अपने पास ऐसे व्यक्तियों से दूर रहो जो आपको डीमोटिवेट करते हों, जो डीमोटिवेट करते हों, ऐसे व्यक्तियों से दूर रहो। अगर कोई व्यक्ति यूपीएससी टॉप कर रहा है तो निश्चित रूप से उसमें कुछ खास है, और खास सभी व्यक्तियों में होता है। आप भी यूपीएससी क्रैक कर सकते हो यह मान के चलो, चाहे टीना डाबी रही हो, चाहे अच्छा जैन रहे हो, कोई भी हो। अगर कोई व्यक्ति अच्छा नंबर पा रहा है और अच्छा नंबर पा करके अच्छे मुकाम पर पहुंच रहा है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप कर सकते हैं, यह सोच के चलिए कि आप, हमें भी वो काम करना है और यह मेरा अंतिम लक्ष्य है। आप निश्चित रूप से यूपीएससी पास करें। यूपीएससी पास करने की जो रणनीति है वह क्या है? अब रणनीतियों की चर्चा हम करें तो यूपीएससी की रणनीति जो है वह यह है कि सबसे पहले आपको एनसीईआरटी 6 से 12 तक कई बार पढ़ना है, कम से कम 6 से 7 बार इसका अध्ययन करना है, 6 से 7 बार इन किताबों का अध्ययन करना है एनसीईआरटी का। दूसरी जो है आपको द हिंदू, अंग्रेजी माध्यम के बालक, अंग्रेजी माध्यम के बालक द हिंदू पेपर का अध्ययन करें, और अंग्रेजी मीडियम जो हिंदी मीडियम के बालक हैं हिंदी के, वो जनसत्ता, जनसत्ता, राष्ट्रीय संस्करण, दैनिक जागरण, दैनिक जागरण, इन दो पेपरों को पढ़ेंगे तभी प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त जो है आपको योजना, कुरुक्षेत्र, योजना, कुरुक्षेत्र आदि का अध्ययन विधिवत, ये दोनों मैगजीनों का विधिवत अध्ययन करना है। एक ऐसी मैगजीन का अध्ययन करना है जो हर मंथ आती हो, नियमित किसी भी मंथ की मैगजीन को आपको नहीं छोड़ना है। और ये सबसे बड़ी बात ध्यान में रखना है तो मैगजीन अच्छी होनी चाहिए, जैसे क्रॉनिकल का आप अध्ययन कर सकते हैं, घटना चक्र का अध्ययन कर सकते हैं, ये मैगजीन आपको नियमित पढ़ना है, ठीक है। इन मैगजीनों को पढ़ते हुए आप जो है पीआईबी, जो पीआईबी है, पीआईबी इंडिया ईयरबुक, इंडिया ईयरबुक, इसका अध्ययन करना है। इन सभी बुकों का अध्ययन करके आप करंट अफेयर्स पर अपना पकड़ बना सकते हैं, इससे एनसीईआरटी। इसके अतिरिक्त जो है आपको प्रारंभिक परीक्षा में किन किन विषयों को पढ़ना है,
प्रारंभिक परीक्षा में आपको इतिहास इतिहास भूगोल अर्थशास्त्र पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण राज व्यवस्था एवं शासन इन किताबों का अध्ययन करना है। इतिहास के तीन पार्टों का अध्ययन करना है, यह भारतीय इतिहास का करना है जिसमें प्राचीन मध्यकालीन और जो है आधुनिक इनका करना है। जब आप मेंस का पेपर देते हैं, ये प्रारंभिक परीक्षा का है, पीटी है, और जब आप मुख्य परीक्षा देते हैं, मुख्य परीक्षा मेंस, अगर मेंस की पेपर लिखते तो इसमें एक जुट जाएगा विश्व का इतिहास, विश्व का इतिहास भी इसमें जुट जाता है, और इसके साथ आईआर जुट जाएगा। इनका भी अध्ययन करना पड़ता है मुख्य परीक्षा में। भूगोल आपको पढ़ना है, भूगोल का अध्ययन करना है, इसमें आपको भारत और विश्व दोनों का अध्ययन करना है, भारत एवं विश्व दोनों का भूगोल पढ़ना है। अर्थशास्त्र में योजनाएं योजना पढ़ना है प्रमुख रूप से, और इसके अतिरिक्त जो है योजनाओं और नीति, योजना और नीति ये दोनों चीजें विशेष रूप से पढ़ना रहता है अर्थशास्त्र में, इनको आपको पकड़ बना के रखनी पड़ेगी। पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण का पूरा अध्ययन करना है, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण का पूरा अध्ययन करना है, इससे कम से कम हर साल 10 क्वेश्चन आते हैं। राज व्यवस्था आप लक्ष्मीकांत को ले लीजिए, एम लक्ष्मीकांत, लक्ष्मीकांत, या आप ले सकते हैं सुभाष कश्यप की, सुभाष कश्यप, और उनकी भी ले सकते हैं राजेश मिश्रा जी की, राजेश मिश्रा, इनमें से कोई एक किताब आप लेकर के इसका अध्ययन कर सकते हैं। पारिस्थितिकी पर्यावरण में आप ले सकते हैं भरूचा की, भरूचा की किताब है, ब्लैक स्वान प्रकाशन से आप इसको ले सकते हैं। अर्थशास्त्र में आप जगदीश मिश्र की ले सकते हैं, जगदीश मिश्र की ले सकते हैं, ठीक है, जगदीश मिश्र की ले सकते हैं किताब। और वर्ल्ड हिस्ट्री में जो है अर्जुन सिंह आ गए हैं इस समय, इनकी किताब ब्लैक स्वान से आती है, तो अर्जुन सिंह की किताब ले सकते हैं। प्राचीन भारत में मैंने बताया था झास केसी, या तो केसी श्रीवास्तव को ले लीजिए, केसी श्रीवास्तव, या आप ले सकते हैं झा एवं माली, झा एवं माली किसी एक किताब, झा एवं माली की ले लीजिए। मध्यकालीन भारत में लईक अहमद, लईक अहमद को ले लीजिए। आधुनिक भारत में बिपिन चंद्र को ले लीजिए, बिपिन चंद्र। आप चाहें तो मध्यकालीन भारत में आप ले सकते हैं सतीश चंद्र को भी ले सकते हैं, सतीश चंद्र, सतीश चंद्र की भी बुक इसके लिए है। भूगोल में आप जानते हैं उनको ले सकते हैं, खुल्लर को, खुल्लर एवं माजिद हुसैन की भी ले सकते हैं, माजिद हुसैन, माजिद हुसैन को ले सकते हैं, इनकी किताब ले सकते हैं आप। और इसके बाद अर्थशास्त्र में मैंने बता ही दिया है, पर्यावरण में भी बता दिया है इसका, ये प्रमुख बुक्स परीक्षा किताबें हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद विज्ञान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अगर आप लेते हैं तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए मैगजीन विशेष रूप से ध्यान में रखना है, और किसी भी प्रकाशन की जो अच्छी बुक आपको नजर आए समझ में, जो समझ में आती हो, जिसके लैंग्वेज आपको समझ में आ रही हो, उस किताब को लेकर आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। ये नीति आपको बनानी पड़ेगी यूपीएससी के लिए, यूपीएससी के लिए जो ये नीति आप बना रहे हैं, यह नीति आपकी तभी सफल होगी
जब आप नेगेटिव पर्सन से दूर रहेंगे और करो और मरो के साथ, करो या मरो के साथ जुड़ेंगे और तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। इन किताबों को पढ़ना है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मैगजीन से पढ़ना है। इसके अतिरिक्त जो है सामान्य रूप से आप कोई भी एक किताब विज्ञान या प्रौद्योगिकी का ले लेंगे, विज्ञान की अलग और प्रौद्योगिकी की अलग, उससे भी आप अध्ययन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि लेखन कला मुख्य परीक्षा में अगर पास होना है मुख्य परीक्षा में, तो मुख्य परीक्षा में पास होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उत्तर लेखन की सावधानियों पर ध्यान देना पड़ेगा। उत्तर लेखन आंसर राइटिंग, आंसर राइटिंग पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। और ये आपका उत्तर लेखन है, इस पर ध्यान देना है। और सबसे बड़ी बात है कि अध्ययन आपका 10 से 12 घंटे प्रतिदिन होना चाहिए, पर डे आप जो है 10 से 12 घंटे पढ़ें। न्यूज़पेपर का अध्ययन करें नियमित, न्यूज़पेपर नियमित पढ़ें, तभी आप इसको सफलता को प्राप्त कर सकें। और कभी भी नेगेटिव पर्सन से अपनी बातों को शेयर न करें, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको किसी चीज का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, यूपीएससी में कॉन्सेप्ट पढ़े जाते हैं और ना कि आप जो है फैक्चुअल पढ़ें। कभी भी आपको एग्जैक्ट डेटा नहीं पढ़ना है, कौन सी लड़ाई कब हुई, क्या हुई, कैसे हुई, इन सब चीजों को नहीं पढ़ना है, बल्कि आपको जो है हमेशा कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, ठीक है। क्या पढ़ना है, कॉन्सेप्ट पढ़ना है सीसैट के लिए। सीसैट जो आपको है, सीसैट के लिए आप जो है 10th की मैथ, रीजनिंग और जो है संप्रेषण इतनी चीजें पढ़ना है, संप्रेषण पढ़ना है। इससे भी आप जो है, क्योंकि आप जानते हैं कि 80 क्वेश्चन में से अगर आप 30 क्वेश्चन भी सही कर देते हैं, 28 ही करना, लेकिन आप लक्ष्य ज्यादा लेकर चले, 30 क्वेश्चन भी अगर सही कर सकते हैं, क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, आप सीसैट क्वालिफाई कर लें। सीसैट में फेल होना भी दुख की बात है, क्योंकि आप सीसैट में फेल हो गए तो पीटी नहीं पास होंगे, पीटी नहीं पास होंगे तो मुख्य परीक्षा नहीं देंगे, मुख्य परीक्षा नहीं पास होंगे तो इंटरव्यू नहीं देंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि ये जो है जो गेट है इसको प्राप्त करना बहुत जरूरी है, पास करना आवश्यक है। तो इस तरह से आप जो है इन चीजों पर ध्यान दें। बाकी आप दुनिया भर के मैगजीन्स, ये मैटर वो मैटर, इन सब चीजों से दूर रहें। आपको मैं बता दूं कि इस साल अभी 2019 की मेरिट जो है मात्र 49 क्वेश्चंस जनरल का गया है। जनरल का लड़का जो 100 में से 49 क्वेश्चन सही किया है वह मुख्य परीक्षा में बैठा हुआ है। अब आप ये समझ लीजिए इतना जो है मेरिट गई है और फिर भी आप पास नहीं हो पा रहे, उसका रीजन क्या है, 100 में 100 मारने के चक्कर में बच्चे जो है फेल हो जाते हैं। तो आपको इन सब चीजों पर ध्यान देना है, करंट अफेयर हो या जो भी हो, उन चीजों पर कम ध्यान दीजिए। आप सबसे बड़ी बात यह है कि अपने अध्ययन को नियमित रखें और विशेष रूप से जो मौलिक चीजें हैं जैसे इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, पारिस्थितिकी, पर्यावरण, इन पर यानी ध्यान दें। न्यूज बेसिस जितनी चीजें हैं वो तैयार होना चाहिए। इन चीजों को जब आप तैयार करेंगे तभी यूपीएससी आसानी से आप पास कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको पढ़ना है। फिर आपको कभी मैं एक और मोटिवेशनल वीडियो बताऊंगा, क्लास लूंगा और फिर बताऊंगा कि किस तरह से आप क्या क्या कमियां हैं जिनको आपको दूर करना है। लेकिन जिन बिंदुओं को मैंने बताया, अगर आसानी से आप सावधानी पूर्वक इन बिंदुओं को अगर पढ़ेंगे तो आप यूपीएससी में सफल होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों, और शुभकामनाएं आपको देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप यूपीएससी की अगर तैयारी कर रहे हैं तन मन से लगें और अगले आईएएस आप बने। जय हिंद।